हेलो दोस्तों, वेलकम टू सटेक। दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी सटेक पे। दोस्तों आज की हम इस वीडियो में बताने वाले उत्तर प्रदेश की नौतरियार शिक्षक भर्ती के संबंध में। उत्तर प्रदेश की नौतरियार शिक्षक भर्ती में फोर्थ सूची होने का नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। आज की महत्वपूर्ण अपडेट है, बात करते हैं। आज एक महत्वपूर्ण कोर्ट नोटिस जारी हुआ जो कि यहाँ पर जो है इंग्लिश न्यूज़पेपर में जारी हुआ है, तो बात करते हैं नोटिस के बारे में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेट आप तक पहुँचती रहे। चलिए फ्रेंड इसको कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग पता है, कुछ दिन पहले अभी 3 दिन पहले यहाँ पर कोर्ट एक नोटिस आदेश आया था कि यहाँ पर जो है आप इंग्लिश माध्यम या हिंदी माध्यम दोनों में आप एक नोटिस सर्व कीजिए जो कि 6800 में पूर्व में चयनित अभ्यर्थी हैं, जो कि 69 पूर्व चयनित अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पर जो है आप एक नोटिस इशू करिए और इसके बाद यहाँ पर जो लोग अपना पक्ष रखेंगे तो उसी संदर्भ में यहाँ पर एक आज नोटिस जारी हुआ है। ये आज की तारीख को जारी किया गया नोटिस, यहाँ पर लिखा गया कोर्ट नोटिस है, ठीक है। ये आज की तारीख को जारी किया गया नोटिस है, यहाँ पर लिखा गया है इन द हनीवेल हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियरेट इलाहाबाद लखनऊ, ठीक है, लखनऊ बेंच लखनऊ, ठीक है। रिट पटिशन ए नंबर, ठीक है, 1356 ऑफ 2020 महेंद्रपाल एंड अदर्स पटिशनर है और वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी रिस्पोंडेंट, ठीक है। ये एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी हुआ, यहाँ पर लिखा गया डेट लिखी गई है, यहाँ पर जो है यहाँ पर लिखा गया है 2 अप्रैल 2022, यानी यहाँ पर जो है 2 तारीख को जो नोटिस जारी हुआ था कोर्ट की तरफ से आदेश जारी हुआ था उसके व्याप में यहाँ पर जो है एक नोटिस जारी किया गया इंग्लिश न्यूज़पेपर में। और यहाँ पर जो है ये अब अभ्यर्थी जो पूर्व में चयनित अभ्यर्थी हैं उन तरह से करते हैं वो अब अपना कोर्ट में पक्ष रखेंगे 25 तारीख को और इसके बाद यहाँ पर इस अभ्यर्थी का निर्णय होगा, यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर जो है इस मामले का निस्तारण होगा, 1356 मामले का निस्तारण होगा। जैसा कि आप लोग पता है कि जो आपकी लिस्ट है ये फोर्थ काउंसिलिंग वाली जो 1800 लिस्ट है वो भी यहाँ पर 1356 के अधीन है, इसलिए यहाँ पर जो है अब इन अभ्यर्थियों को नोटिस जारी किया गया है कोर्ट के माध्यम से। अब यहाँ पर ये लोग अपना पक्ष रखेंगे और इसके बाद यहाँ पर जो है आगे का मामला शांत होगा। तो दोस्तों ये बड़ी खबर जो कि यहाँ पर जो 800 में चयनित अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पर बड़ी खबर है कि यहाँ पर जो है अब उनका मामला लगभग शॉर्ट आउट होता नजर आ रहा है और यहाँ पर जो पूर्व में चयनित अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पर जो है खतरे घंटी मारती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब इस पर कोर्ट क्या निर्णय देता है वो तो आने वाले वक्त ही बताएगा, लेकिन यहाँ पर जो अब जो मामला जो है लगभग शांत होता नजर आ रहा है, यानी जो है अब मामला लगभग क्लियर होता नजर आ रहा है। वहीं दूसरे अभ्यर्थी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर जो ये अभ्यर्थी जो 800 में चयनित हैं वो किसी न किसी प्रकार से नियुक्ति पत्र पाए और यहाँ पर जो अपने साथ महोदय द्वारा सभी द्वारा यहाँ पर जो अपना प्रयास कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और उनके द्वारा यहाँ पर जो पत्र लिखाया जा रहा है। यानी अब अगर सरकार ने अपना पक्ष सही से कोर्ट में रख दिया तो हो सकता है यहाँ पर जो 25 तारीख को ये मामला आपका क्लियर हो सकता है, क्योंकि जैसे कि आप यहाँ पर जो है अभ्यर्थियों ने मुलाकात की थी मुख्यमंत्री सर से, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो आपको हमने निर्देश दे दिया है आपको और यहाँ पर जो है जल्दी निर्णय हो सकता है और इसके बारे में जल्दी जीव जारी हो सकता है। तो दोस्तों आप लोग परेशान ना हो, हैरान ना हो, आप लोगों को नियुक्ति मिलेगी, हर हाल में मिलेगी, अवश्य मिलेगी, लेकिन थोड़ा धैर्य बना के रखें। अब यहाँ पर जो है नोटिस इशू हुआ है और यहाँ पर अब इस पर सुनाई होगी सही से और इसके बाद यहाँ पर जो मामला लगभग 1 से 2 सुनाने में क्लियर हो जाएगा लगभग। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए वीडियो लग रहा है चलिए कोशिश तक ऐसी अपडेट अब तक मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।